परसिया की रानी कयामत बानो कयामत बरपाते हुए हिंदुस्तान का रुख कर रही है। हमारे गुप्तचरों ने पता लगा लिया है कि एक ही इंसान है पूरी दुनिया में जिसकी बात वो काट नहीं सकती। जलाल यानी जहांपनाह अकबर। बहुत जल्द हमारी और रानी कयामत की शादी होगी। बहुत जल्द नहीं, 10 दिन बाद। 50,282। अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी की उम्र का हो गया, लेकिन उनको अक्कल नहीं है। एक बीवी संभलती नहीं है, चार चार शादियों की तमन्ना रखते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो फिर जलाल को हम पर्शिया दे दें, लेकिन जलाल का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आइए आइए, देखिए तशरीफ रखिए, कहिए कैसा आना हो। देखिए जा बना इस वक्त आराम कर रहे, आप हमें बताइए कि इतनी रात को यहां कैसे आना हो। कयामत आ रही है जनाब, कयामत आ रही है। कयामत? हाँ कयामत, पर्शिया की रानी कयामत बानो कयामत बरपाते हुए हिंदुस्तान का रुख कर रही है। उसका एक ही मकसद है, पूरी दुनिया पे काबू करना, और जो शहर उसके रास्ते में आता है उसको वो निस्तो नाबूद कर देती है, खाक में मिला देती है। हिंदुस्तान आने तो दो, हम उसकी कब्र बना देंगे। वजीरे हिंद, हमारी बात समझिए, ये जंग हमारी धरती पर होगी, जानुमाल का नुकसान उससे ज्यादा हमें होगा। सही कह रहे हैं आप, तो बताइए कि इस युद्ध और तबाही को रोकने का कोई और रास्ता है। राजा बीरबल, वैसे तो उसका दुनिया में कोई नहीं है और वो किसी की नहीं सुनती, पर बहुत सालों की मेहनत के बाद हमारे गुप्तचरों ने पता लगा लिया है कि एक ही इंसान है पूरी दुनिया में जिसकी बात वो काट नहीं सकती। कौन? 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 उसके बचपन का दोस्त जिसकी तलाश वो सालों से कर रही है। देखिए मान भी लिया कि अगर हमने पर्शिया की रानी कयामत जी के दोस्त से कहा कि वो पर्शिया की रानी को समझाए कि युद्ध ना करे, तबाही ना करे, फिर भी मसला ये है कि हम पर्शिया के रानी के दोस्त को ढूंढेंगे कैसे, वो खुद ही अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पा रही। हमने पता लगा लिया है उसके बचपन का दोस्त कौन है। कौन? 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 जलाल। कौन जलाल? यानी जहांपनाह अकबर। बचपन में जब जहांपनाह के वालिद दिल्ली हार गए थे तब जहांपनाह की अम्मी जहां उन्हें पर्शिया ले गई थी। 7 साल से 10 साल की उम्र तक जहांपनाह पर्शिया में रुके थे, और कयामत और जहांपनाह बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर ये बात है तो हम जहांपनाह से कहेंगे कि अपने बचपन की दोस्त पर्शिया की रानी कयामत जी को समझाए कि वो लड़ाई और तबाही ना करे, जहांपनाह हमारी बात नहीं टालेंगे। आप पर्शिया की रानी कयामत जी को यहां बुलवाने का इंतजाम करवाइए। जी जी, शुक्रिया। दीवाने खास में मौजूद सभी हजरात से आज हम एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। आज हमारे इस दीवाने खास में पर्शिया की रानी कयामत बानो आने वाले हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब वो और जहांपनाह आपस में बात कर रहे हो तो कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, कोई भी वासु, क्योंकि ये जो कयामत बानो हैं ये बड़ी ही गुस्से वाली है, बात बात में बिगड़ जाती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे दीवाने खास में किसी तरह का झगड़ा हो, कोई भी बखेड़ा खड़ा हो। समझ गए आप सब? बादम बामुला हिंदा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, दे धन ना धन, जहांपनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए।
हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात हमें बार बार समझाई क्यों जा रही है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आ रही हैं वो हमारी बचपन की दोस्त है कम्बो। अरे उनकी तो चोटी पकड़ के हर बात उनसे मनवा सकते हैं हम, हैं क्या वो? कहाँ है मेरे बचपन के दोस्त जलाल? 50,262। कसम पर्शिया की, अगर तुम दोनों की बात झूठी निकली, तुम्हारी चमड़ी से मैं जूती बनवाऊंगी और उसे पहनूंगी। 50,262। काली कलूटी बैंगन की बूटी। काली कलूटी बैंगन की बूटी, काली कलूटी बैंगन की बूटी, चाचा तेरा चो उचक्का, चाची तेरी झूठी, चांदी की चार पाई, गधा तेरा भाई, पीला पैजामा बंदा तेरा मामा, शैतान की दुआ, मुर्गी तेरी हुआ, हम खाए आलू भालू तेरा खालू, पेड़ की छाया, मेंढक तेरा ताया, दोगा दोगा दो। के बीच में खाई चिपकली तेरी ताई। कमो 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 जलाल, इतने दिनों के बाद मुझे अकेले कहां छोड़ के चले गए थे? 50,262। 50,262 क्या है कमो? बाद में बताती हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हम, अरे हम कहाँ छोड़कर गए, हम तो यहाँ। तुम अपने बारे में बताओ, शादी कब की, किससे की, बच्चे कितने हैं? जलाल मजाक कर रहे हो? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, क्यों तुमने शादी कर ली? 50,262। हमने शादी कर ली। अब शादी करनी थी, कर ली। सिपे सालार, जला दो पूरी दुनिया को। अरे ये झापना, कुछ कीजिए झापना, झापना उसे रोकिए, सच झूठ कुछ भी बोलो, उसे रोकिए झापना, झापना जंग छिड़ जाएगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, झापना रोकिए, जाफरत क़यामत को रोकिए। अरे लेकिन ये भी कोई तरीका हुआ? ये क्या बात हुई? हम तो अब, अरे बीरबल अब क्या करें? जाफरना जाइए समझाइए इन्हें, इन्हें कह दीजिए कि आपने मजबूरी में शादी की। यूं कहिए कि आपके अब्बू जान अपने आखिरी वक्त में थे, बीमार थे और वो अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे, इसलिए आपको शादी करनी पड़ी। हाँ ये सही है, ये भी कह देंगे कि अब्बू जान को हैजा हुआ था तो थोड़ा वजन भी पड़ेगा, कैसे मरे। लेकिन फिर वो कहेंगी कि वो तो इंतजार कर रही है हमसे शादी करने के लिए और हमसे शादी करना चाहती है, फिर हम क्या कहेंगे? हाँ कह दीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि इस वक्त के लिए हाँ कह दीजिए, जंग टल जाएगी, झगड़ा बच जाएगा, बाद में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हाँ शादी के लिए और कोई रास्ता नहीं है, हाँ कह दीजिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है, अभी के लिए कह देते हैं।
टालना है ना। हाँ हम कहते कहकर आते हैं। अरे तुम भी कमाल करती हो कम्मू, खाम खाम तुम इतनी गुस्सा हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे, अब तुम क्या हमें मजाक करने का भी मौका नहीं दोगी? तो फिर जब से कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, 50,282। हाँ तो वही, तो हम तो वही ऐलान बस करने ही वाले थे कि बहुत जल्द हमारी और रानी कयामत की शादी होगी। बहुत जल्द नहीं, 10 दिन बाद, 50,282। 10 दिन में? हाँ अब बहुत ज्यादा है ना, कम कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है 10 दिन, 10 दिन सही है, 10 दिन ठीक है, 10 दिन में कर लेंगे शादी, 10 दिन। शुक्रिया जलाल, 50,282। ये एक बार जरा बताओगी कि जब तुम आई थी तब 50,262 था, अब अचानक 50,282, ये किस चीज की गिनती कर रही हो तुम? ये उन लोगों की गिनती है जो मेरे हाथ से अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कि जो अभी अभी तुम बाहर निकली थी, इतनी सी देर में तुमने 20 लोगों को अल्लाह को प्यार कर दिया। हाँ जलाल। रानी साहब, और समझती क्या अपने आप को? शादी शादी शादी, हर पराई औरत से वादा करके आते हैं शादी का। अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी की उम्र का हो गया, लेकिन उनको अक्ल नहीं है, एक बीवी संभलती नहीं है, चार चार शादियों की तमन्ना रखते। अच्छा हुआ जहांपनाह दूसरे महल चले गए, अगर वो यहाँ होते तो। बिरबल, बिरबल, हमें बताओ, अभी इसी वक्त बताओ, जहांपनाह कहाँ है? वो रानी साहब बताते हैं, आपको सब बताते हैं, आप हमारी बात सुनिए तो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें बताओ जहांपनाह कहाँ है? रानी साहब सुनिए, हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। रानी साहब क्या है कि करो बिरबल, दो लोगों में झगड़ा कैसे करवाना है इसमें हम माहिर हैं। हमारा मतलब है हमने कभी किया नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं, उसमें क्या है, हमारा हुनर है, ये कला है हमारी। अब तुम देखते जाओ, उस पर्शिया की रानी को तो ऐसा घुमाएंगे कि जहांपनाह से नफरत करने लगेगी। अच्छा तो तुम ही हो जो सलीम की अब्बू के साथ शादी करना चाहती हो, है ना? अच्छा तो फिर आप है जिसके साथ जलाल ने मजबूरी में शादी की थी, 50,282। ये तुम्हारे जलाल जो है ना, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छी बात है तुम उनसे शादी करना चाहती हो, अच्छी बात है, इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है, बस थोड़ा सा मुजरा देखने का शौक है। मुजरा? 50,282? अरे वो जुआ खेलने जाते हैं ना, तो बुरी संगत में पड़ के मुजरा भी देखने चले जाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं तुम्हारे जलाल। जुआ? 50,282? रोज रोज कहाँ, बस महीने में 20-25 दिन जब शराब पीते हैं, शराब, तभी जाते हैं जुआ खेलने। वैसे बहुत अच्छे हैं तुम्हारे जलाल। क्या खाक अच्छे इंसान है, मुजरा वो देखते हैं
जुआ वो खेलते हैं, शराब वो पीते हैं, क्या बचा क्या है अब 50,282। अरे अफीम चरस गांजा, या अल्लाह कैसा बना दिया तुमने जलाल को। अरे ऐसे आदमी के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा 50,282। मतलब शादी खारिज। हमने फैसला कर लिया है, इसके पहले ऐसा हो सकता था कि हम जलाल से शादी नहीं करते, लेकिन अब ये सब सुनने के बाद हम हर हाल में जलाल से शादी करेंगे 50,282। यम्मी जान शाही कौन है हम, आप भूल गई यहाँ आने से पहले नानी जान ने आपको क्या समझाया था? यही समझाया था ना कि अगर ये शादी पर किसी तरह अड़ी रहे तो किसी तरह से ये शादी टालने की कोशिश करना, ये शादी 10 दिन की बजाय 1 महीने तक टलवा देना ताकि हमें और वक्त मिल जाए ये शादी रोकने का। करते करते कुछ करते कयामत, तुम अगर तुम्हारे जलाल के साथ शादी करना ही चाहती हो तो कर लो, लेकिन हमारी शादी हो जाने के बाद। क्या? अरे हमारी मतलब हमारे बेटे की शादी है। अब बाप बेटे एक ही दिन शादी करेंगे तो हमारी नाक नहीं कट जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? वो वैसे समाज में रहना पड़ता है ना हमें समाज में। किससे तो... शादी है आपके बेटे की 50,282? लड़की, अक्सर लड़कों की लड़कियों से ही शादी होती है। कौन सी लड़की, क्या नाम है लड़की का 50,282? हम पूछते क्या नाम है लड़की का। उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी तातिर्थी, वो हमारी राज नर्तकी है और हम कला की कदर करते हैं। कब शादी है इसकी 50,282? उसी दिन जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी ना, 10 दिन बाद उसी दिन। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस दिन सलीम की शादी हो जाए, उसके 1 महीने बाद आप दोनों शादी कर लेना, आपके जलाल और आप। हमने फैसला कर लिया है 10 दिन बाद हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे 5 दिन बाद। 50,282।